कांजी वड़ा बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने एक कटोपिए में 1-1.5 लीटर जितना पानी उबाल के रख देती हूँ। उसे हमें ठंडा करना है, साइड में हम रख देते हैं। और अब मैं पानी की तैयारी करती हूँ। एक तड़का पैन में हम राई लेते हैं, इस तरह की जो सरसों आती है वो भी आप आधी ले सकते हैं। काली और पीली सरसों को हम थोड़ा सा मॉइस्चर निकले इतना हम रोस्ट करते हैं। एक आधा चम्मच से कम अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, इन सभी को हम लो फ्लेम पे रोस्ट करके से हम पीस लेते हैं। इस तरह का पीसे, बारीक करना है तो और ज़्यादा पीस ले, लेकिन ये दरदरा अच्छा लगता है, इसे हम साइड में रखते हैं। पानी ठंडा हो गया है, इस पे हम जो मसाला पीसा है वो डालते हैं। पहले काला नमक 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 1 पिंच हींग। इसे अब अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। इसे इस वक्त आप टेस्ट कर लीजिए, कुछ कम लगे तो आप डाल सकते हैं। एक कांच की बयाम लेती हूँ मैं, उसे मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। आप टोपिया में भी रख सकते हैं, इस तरह के किसी भी कपड़े से आप इसे बांध दें, पतला मलमल का हो, चुन्नी हो, जो आपके, और इसे 3 दिन तक थोड़ी धूप में रखें, वापस रात को अंदर लेके इस तरह से ढक्कन बंद कर दें, रात को खुला न रखें। वड़े के लिए मैंने 1 कटोरा मूंग दाल ज़्यादा लिया है, उसे 4-5 घंटे तक भिगा लीजिए। 1/4 उड़द दाल, उड़द दाल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पचती है तो मत लीजिए। 1 बड़ी मिर्ची के 3 टुकड़े कर दिए हैं, ज़्यादा चाहिए तो और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इस सभी को मैं ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही मैं पीस के लाती हूँ। अब हम 1 कटोरे में निकाल लेते हैं। इसे 1 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए, अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, पीसने में आप डाल सकते हैं लेकिन फिर पीसने में बहुत मिक्स होने में अच्छा नहीं लगता है, स्वाद अनुसार नमक। गैस पे कढ़ाई गरम रखती है, से अपने इन हाथों से ऐसे डालेंगे, लेकिन हर बार डालने के पहले हमें अपने हाथ को थोड़े गीले करने हैं और फिर इसके अंदर डालते हैं। वड़े बन जाएंगे तो उसे पानी में डालने के लिए थोड़ा सा नमक, 1 पिंच हींग हम पानी में डालते हैं। इसे हमें बनाए हुए वड़े इसमें डिप कर रहे हैं तो इसे मैं यहीं पे रखती हूँ। डालने के वक्त थोड़ी मीडियम फ्लेम कर लेते हैं और फिर हम इसकी फ्लेम को लो कर लेंगे। इस तरह से आपको छोटे छोटे चम्मच से, हाथ से, जैसे आपको जमे आप बनाइए। इसे एक बार तले से हटा देते हैं, फिर ये अपने ऊपर आ जाएंगे, आपको हिलाना नहीं पड़ेगा। इसे बहुत लाल नहीं करते हैं, इसे हम इस पानी में डाल देते हैं। ये 3 दिन के बाद इसे आपको रोज़ सुबह एक बार मिक्स करना है तो इसका मसाला ऊपर तक आ जाता है। ये हमारा कांजी बनके तैयार है। इसे अब हम एक कटोरे में सर्व करने के लिए लेते हैं, इसे हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारा कांजी वाला पानी बनके तैयार है। कोयला नहीं रहता है तो मैं एक लाल मिर्च को धीरे से गैस के ऊपर रोस्ट कर लेती हूँ, इसे थोड़ा सा इसका फ्लेवर अच्छा आए और इस
से मैं इस पानी में डाल देती हूँ, डाल के मैं इसे झाँक देती हूँ, इससे इसमें इसका स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कोयला है तो आप उसे जला के डाल दीजिए। पुदीने के पत्ते थोड़े, मैं इन दोनों मिर्च को अभी निकाल लेती हूँ क्योंकि हमारा काम हो गया। इस वड़े को हाथ से दबा के हम इसमें डालते हैं, थोड़ा सा ही दबाना है पानी निकलने जितना, जिससे वो कांजी ये पी ले बराबर। थोड़ी सी बूंदी है तो वो भी साथ में डाल दीजिए, काफ़ी अच्छी लगती है देखने। ये वड़े धीरे धीरे फूल के ऊपर आ जाएंगे 5-10 मिनट के अंदर, और फिर ये सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए, अंदर जालीदार। आप इसे इस तरह से ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं, जो देना आसान रहता है, या आप इस तरह से कटोरे में सर्व कीजिए। किसी को केवल पानी पीना है तो वो भी आप दे दीजिए। ये पूरी गर्मियों में बहुत अच्छा ठंडक का काम करता है। ये हमारे कांजी वड़े बनके तैयार है।